तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी मस्त हो गए। लेकिन नीचे कमेंट करके बता देना। बाकी आज की ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, बिकॉज अगर अभी के टाइम पे बात करें तो 15,000 के ऊपर आपको 3 स्मार्टफोन देखने को मिल चुके हैं और कंफ्यूजन काफी ज्यादा बन चुकी है कि भाई 15,000 के ऊपर हमें किस स्मार्टफोन को बाय करने चाहिए। जहां पर सबसे पहले आपको देखने को मिला था Xiaomi की तरफ से Redmi का Note 10 स्मार्टफोन, देन आपको देखने को मिला Realme की तरफ से Realme का 8 4G स्मार्टफोन, एंड अभी देखने को मिल चुका है Xiaomi के एक और स्मार्टफोन जो कि इनकी Note 10 सीरीज के अंदर ही आता है, Redmi का Note 10S स्मार्टफोन। अब जो Redmi का Note 10 और Note 10S स्मार्टफोन है, इनमें तो काफी कड़ा टक्कर है और बोलूं तो थोड़ा सा अंतर है जिनमें आप काफी सारे लोग कंफ्यूज हो। लेकिन जो Realme का 8 स्मार्टफोन है, इसको लेकर भी काफी से लोग कंफ्यूज है कि भाई इन तीनों ही स्मार्टफोन में से बेसिकली कौन सा स्मार्टफोन आगे निकलता है, आपको 15,000 के ऊपर कौन से स्मार्टफोन को बाय करने चाहिए, सब कुछ बताने वाला हूं। तो अगर आप भी जानना चाहते हो तो चलिए देख लीजिए इस वीडियो को, जहां पर हम स्पेक्स वाइज कंपैरिजन कर देंगे और बता देंगे कि कौन सा स्मार्टफोन है बेस्ट आपके लिए। तो हे गाइस, मैं हूं सियोम और आप देख रहे हो टेक हेल्पर्स YouTube चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी कमाल की वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। तो यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तीनों ही फोन्स की डिस्प्ले को लेकर ना, तो जो Redmi के दोनों ही फोन्स हैं, जैसे Redmi का Note 10 और Note 10S, यहां पर आपको बिल्कुल सेम स्पेक्स मिलते हैं डिस्प्ले को लेकर। जैसे 6.43 इंच की दोनों ही फोन्स में आपको साइज बिल्कुल इक्वल मिल जाती है, दोनों ही में आपको फुल HD प्लस रिजोल्यूशन का सपोर्ट मिलता है, एक AMOLED पैनल दी गई है लेकिन नॉर्मल 1600 रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है। दोनों ही के अंदर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, सिक्योरिटी के लिए कोई भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता है। लेकिन दोनों के अंदर जो ब्राइटनेस है, जो कलर्स है, जो ओवरऑल डिस्प्ले से कलर्स मिलते हैं, बिल्कुल इक्वल मिल जाते हैं, बिकॉज दोनों के डिस्प्ले के अंदर आपको 1100 नीट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन की बात करें तो दोनों ही में गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन आपको बिल्कुल इक्वल देखने को मिल जाती है और दोनों ही में सेंटर में पंच होल कटआउट दिए गए हैं। तो Redmi के दोनों ही डिवाइस बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं डिस्प्ले को लेकर। लेकिन वहीं पर जो Realme का डिवाइस है Realme 8, यहां पर आपको डिस्प्ले में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। यहां पर आपको 6.4 इंच की लगभग सेम साइज की ही डिस्प्ले देखने को मिलती है, बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है। लेकिन यहां पर भी आपको बिल्कुल सेम फुल HD प्लस रिजोल्यूशन का सपोर्ट, नॉर्मल 1600 रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले और एक AMOLED पैनल दी गई है। लेकिन AMOLED पैनल होने के बाद में Realme 8 के साथ में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट मिलता है, जो कि एक अच्छी बात हो जाती है। और इसके अलावा जो आपको पंच होल कटआउट मिलता है वो फोन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर मिलता है, वहीं पर Redmi डिवाइसेस के अंदर सेंटर में मिलता है। सो यहां पर आपकी चॉइस है कि भाई आपको सेंटर में पंच होल कटआउट अच्छा लगता है या फिर साइड में टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन मेरी पर्सनल चॉइस बताऊं, सेंटर वाले पंच होल कटआउट मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं। बाकी गाइस, अगर आपको वीडियो में अब तक कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी इन तीनों ही फोन्स में जो डिस्प्ले है उनके अंदर कोई बड़ा चेंज देखने को नहीं मिलता है, सो डिस्प्ले वाइज बोलना चाहूंगा तीनों ही फोन्स कमाल के हो जाते हैं। लेकिन अब बात आती है ना तीनों फोन की डिजाइन की, बिल्ड क्वालिटी की। तो यार, सबसे पहले तो बोल दूंगा कि तीनों फोन का जो वेट है वो लगभग इक्वल देखने को मिलता है, हालांकि Realme 8 थोड़ा सा कम वेट के साथ आता है, वही यानी 177 ग्राम या फिर 178 ग्राम 178 ग्राम के करीब जाता है। वहीं पर जो Redmi के दोनों ही डिवाइसेस है वो आपको 180 ग्राम के करीब देखने को मिलते हैं। तो वेट में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तीनों ही फोन्स लाइट वेट है, कोई बहुत ज्यादा भारी नहीं है। लेकिन अगर बात करें बिल्ड क्वालिटी की, तो तीनों ही फोन्स में पॉलीकार्बोनेट बैक मिलती है, हालांकि Redmi के जो दोनों ही फोन्स है यहां पर आपको मैट फिनिश मिलता है, प्लेन सा लुक मिलता है पॉलीकार्बोनेट बैक के बाद में। लेकिन जो Realme का ये डिवाइस है ना, पर्सनली मुझे बैक पैनल बिल्कुल पसंद नहीं आता है, क्योंकि यहां पर आपको डेयर टू लीव की एक बड़ी ब्रांडिंग दी गई है, साथ में साइनी सा अजीब सा लुक देखने को मिलता है। कुछ लोगों को ये काफी अच्छा लगेगा, लेकिन पर्सनली मुझे जो डेयर टू लीव की ब्रांडिंग है ना, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो डिजाइन की जो चॉइस है ना वो आप ही करो और आप बताओ कि आपको कौन सा डिजाइन अच्छा लगा। बाकी गाइस, अगर आगे बढ़ना बात करें तीनों ही फोन्स की परफॉर्मेंस को लेकर, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है हर एक स्मार्टफोन को लेकर, तो गाइस देखो, जो Redmi का Note 10S स्मार्टफोन है और जो Realme का 8 स्मार्टफोन है, बिल्कुल सेम परफॉर्मेंस के साथ में आते हैं, बिल्कुल बिकॉज दोनों ही फोन्स में आपको MediaTek Helio G95 चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि पावर एफिशिएंट चिपसेट तो नहीं है, मतलब 12nm आर्किटेक्चर के साथ में आने वाला एक चिपसेट है। लेकिन गाइस, यहां पर ये काफी ज्यादा पावरफुल चिपसेट है इस प्राइस के ऊपर। लेकिन वहीं पर जो Redmi का Note 10 डिवाइस है, यहां पर आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 670 चिपसेट, जो कि बोलूंगा MediaTek Helio G95 से बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, मैं बोलूंगा लगभग 19-20 का आपको फर्क देखने को मिल जाएगा। सो परफॉर्मेंस वाइज कहीं ना कहीं Realme 8 और Redmi का Note 10S थोड़ा सा आगे निकल जाता है, Redmi का Note 10 थोड़ा सा पीछे रह जाता है। जहां पर अगर रैम और स्टोरेज टाइप की बात करें, तो Redmi के दोनों ही फोन्स के अंदर आपको LPDDR4X रैम
रैम, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिलता है। तो Realme के डिवाइस के अंदर आपको यानी Realme 8 के अंदर आपको LPDDR4X रैम मिलती है, UFS 2.1 स्टोरेज टाइप मिलती है। तो रीड एंड राइट स्पीड वाइज कहीं ना कहीं Redmi के जो डिवाइसेस है वो आगे निकल जाते हैं, लेकिन भाई अगर परफॉर्मेंस को ओवरऑल कंबाइन करें सॉफ्टवेयर से ना, तो मैं बोलूंगा यहां पर आगे निकलता है Realme। बिकॉज Realme के साथ में आपको कोई बहुत ज्यादा एड्स नहीं मिलते, और आपको ब्लॉटवेयर जरूर मिलते बट एड्स आपको MIUI जैसे नहीं मिलते, मैं आपको कंफर्मली बोल सकता हूं। और गाइज मैं आपको पर्सनली बताऊं ना, तो मैंने दोनों ही UI को यूज किया है, Realme UI भी और Xiaomi का MIUI भी। तो गाइज देखो यार, जो MIUI ना Xiaomi का ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, काफी हार्श हो जाता है, बिकॉज यहां पर कस्टमाइजेशन काफी ज्यादा दिया गया है। इसकी वजह से थोड़ा सा मैं बोलूंगा सॉफ्टवेयर वाइज ना यहां पर लैग करता है, कई बार आपको काफी सारे लैग देखने को मिलते हैं, काफी सारे बग्स देखने को मिलते हैं। और वहीं पर जो Realme है ये नहीं बोलूंगा कि बग फ्री है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा लाइटर है MIUI के कंपैरिजन में। सो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस वाइज Realme 8 में आपको बोलूंगा इस लिस्ट के अंदर आगे निकल जाता है। लेकिन अगर बात करें कैमरा डिपार्टमेंट को लेकर, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। और गाइज इन तीनों ही फोन्स में आपको काफी सारी कंफ्यूजन हो सकती है मेगापिक्सल्स को लेकर, तो कंफर्म कर दूं कि जो तीनों ही फोन्स हैं वहां पर आपको क्वाड रियर कैमरा दिया गया है बैक साइड में, और यहां पर जो प्राइमरी लेंस ना Redmi Note 10 के अंदर 48 मेगापिक्सल वाला मिलता है, वहीं पर Realme 8 और Redmi Note 10S के अंदर आपको 64 मेगापिक्सल वाला प्राइमरी लेंस देखने को मिलता है। बाकी तीनों ही फोन्स में जो बाकी लेंसेज है बिल्कुल सेम है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग लेंस, जो कि उतना ज्यादा यूजफुल नहीं होते हैं। बाकी फ्रंट की बात करें तो 13 यानी 13 मेगापिक्सल का लेंस आपको देखने को मिलता है Xiaomi के फोन्स के अंदर, और Realme 8 के अंदर आपको देखने को मिलता है 16 यानी 16 मेगापिक्सल वाला सेल्फी शूटर। सो गाइस अगर इमेज क्वालिटी की बात करें, कैमरा टेस्टिंग की बात करें, तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि तीनों ही फोन्स में जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो मिलता है इनके कलर्स के अंदर। हालांकि जो 64 मेगापिक्सल और 48 मेगापिक्सल वाला डिफरेंस है वो आपको बस 64 और 48 के मोड में ही जाके मिलता है, जूमिंग में थोड़ा सा आपको ज्यादा 64 मेगापिक्सल वाला अच्छा देखने को मिलता है। बाकी जो कैमरा की क्वालिटी है, इमेज क्वालिटी है, वहां पर बोलना चाहूंगा जो Redmi के डिवाइसेस है ना वो आपको थोड़े से सैचुरेटेड फोटोज देते हैं, थोड़े से पंची कलर्स आपको देखने को मिलते हैं, वहीं पर जो Realme का 8 है, Realme का जो कैमरा है ना वो थोड़े से नेचुरल कलर निकाल कर देता है। सो अगर आपको थोड़ा वार्म टोन चाहिए, सैचुरेटेड कलर चाहिए, तो Redmi के Note 10 सीरीज के अंदर आप जा सकते हो, वहीं पर अगर Realme 8 को लेते हो तो आपको नेचुरल कलर देखने को मिल जाएंगे फोटोज के अंदर। बाकी सेल्फी में मैं बोलना चाहूंगा तीनों ही फोन्स लगभग इक्वल से हो जाते हैं, और गाइस कैमरा को लेकर कहना चाहूंगा 19-20 का फर्क देखने को मिलता है, और तीनों ही फोन्स का जो कैमरा है लो लाइट में स्ट्रगल करता हुआ देखने को मिल जाता है। तो कैमरा को बोलना चाहूंगा बिल्कुल इक्वल है, आप Redmi के Note 10S या फिर Realme के 8 स्मार्टफोन में से किसी को भी बाई कर सकते हो। और मैं अगर पर्सनल चूज करूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा वार्म टोन अच्छा लगता है, थोड़ा सेचुरेटेड कलर अच्छा लगता है नेचुरल के बजाय, तो मैं यहाँ पर Redmi के Note 10S के साथ में जाऊंगा। लेकिन अगर बात करें बैटरी और चार्जिंग को लेकर, तो भाई तीनों ही फोन्स के अंदर 5000mAh यानी 5000mAh की बैटरी बिल्कुल इक्वल देखने को मिल जाती है, और यही वजह था कि तीनों फोन का जो वेट है वो लगभग इक्वल मिलता है। बाकी अगर बात करें फास्ट चार्जिंग को लेकर ना, तो Redmi के दोनों ही फोन्स के अंदर यानी Redmi Note 10 और 10S के अंदर आपको 33 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, आउट ऑफ द बॉक्स भी आपको 33 वाट की फास्ट चार्जर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो Realme 8 है वहां पर आपको 30 यानी 30 वाट का ही चार्जर देखने को मिलता है। सो कहीं ना कहीं बैटरी और फास्ट चार्जिंग वाइज कहीं ना कहीं आगे निकल जाता है Redmi का Note 10 सीरीज। बाकी गाइस अगर बात करें ना ओवरऑल तीनों ही फोन्स के कुछ बाकी स्पेक्स के बारे में, तो तीनों फोन्स में आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिल जाता है, आप दो सिम कार्ड के साथ एक मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हो। तीनों ही फोन्स में 3.5mm ऑडियो यानी हेडफोन जैक मिलता है, लेकिन भाई Redmi के दोनों ही फोन्स के साथ में आपको IP रेटिंग देखने को मिलती है, जो कि आपके डिवाइस को पानी और डस्ट से थोड़ा सा बचा देगा। इसके अलावा जो Realme 8 है वहां पर कोई भी IP रेटिंग नहीं मिलती है। बात करें अगर स्पीकर्स को लेकर, तो Redmi के फोन्स के अंदर Redmi Note 10 के अंदर आपको डुअल स्टूडियो स्पीकर मिलता है, वहीं पर Realme 8 के अंदर आपको मोनो स्पीकर देखने को मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं स्पीकर जो है वो लाउड आपको Redmi के फोन्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन गाइस अगर फाइनली हम बात करें कि इन तीनों ही में से किस स्मार्टफोन को आपको बाय करना चाहिए, कौन सा बेस्ट है, सो गाइस मैं आपको क्लियर कर दूं कि गाइस तीनों ही फोन्स में से किसी भी फोन को अगर आप बाय करने की सोच रहे हो ना, सबसे पहले तीनों ही की प्राइस चेक कर लो, जिनकी भी सबसे कम प्राइस है सो वहां पर आपको सबसे पहले उस फोन को पिक कर लेना है, बिकॉज इन तीनों फोन में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए सो वहां पर आप Realme 8 या फिर Redmi के Note 10S को बाय कर सकते हो। हालांकि Redmi का Note 10 थोड़ा सा पीछे रह जाता है कैमरा वाइज भी या फिर परफॉर्मेंस वाइज भी, तो Redmi के Note 10S और Realme की 8 के अंदर आप कोई भी फोन बाय कर सकते हो। यहां पर अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन की बात करूं, तो मुझे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर अच्छा लगता है, इसके अलावा परफॉर्मेंस भी आपको Realme 8 के अंदर अच्छी मिल जाती है, सॉफ्टवेयर भी मुझे Realme UI अच्छा लगता है। तो फाइनली जो मेरा चॉइस होगा वो होगा Realme 8 स्मार्टफोन। लेकिन गाइस अगर आप Realme 8 स्मार्टफोन को बाय करने की सोच रहे हो, तो अगर आपको इस फोन का बैक पैनल पसंद नहीं है, आपको इस फोन के अंदर जो स्पीकर्स दिए गए हैं मोनो स्पीकर्स दिए गए हैं, तो ये चीज अगर आपको पसंद नहीं है, थोड़ा सा और लाउड साउंड चाहिए, अगर आपको फोटोज थोड़े से सैचुरेटेड चाहिए, जो कि मुझे पर्सनली पसंद है, तो आप Redmi का Note 10S स्मार्टफोन बाय कर सकते हो। और
और गाइज अभी भी आपको क्लियर नहीं हो पाया तो आपको कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि भाई Redmi के Note 10 S के अंदर और Realme 8 के अंदर कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। जब भी आप लेना इन दोनों फोन्स की प्राइस चेक कर लेना, जिसकी भी कम प्राइस होगी आप डेफिनेटली बाय कर लेना। लेकिन गाइज नीचे कमेंट करके आप बताओ कि आप Realme 8 को बाय करोगे या फिर Redmi के Note 10 S स्मार्टफोन को, नीचे कमेंट करके बता देना। बाकी आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आओ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते एक नए और कमाल की वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, कीप वॉचिंग।